हेलो एवरीवन, माय सेल्फ चंद्र प्रकाश, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का पेपर सेकंड मैथमेटिक पोर्शन है ये। और आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसा आप सब लोग जानते ही हो, और ये एक इक्वेशन हमें गिवन है, राइट। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखो क्या गिवन है, जेड पावर 4 माइनस मॉड जेड की पावर 4। हम जानते हैं मॉड जेड का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है जेड जेड बार के बराबर, राइट। तो एक तरह से ये इसका स्क्वायर हो गया और सामने है 4 आयोटा जेड स्क्वायर, करेक्ट। अब चलिए हम इसको देखिए, अगर जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हमको ऐसे दिखाई देगी कि जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा, करेक्ट। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लगा लेते हैं, तो ये हो गया जेड प्लस जेड बार और जेड माइनस जेड बार, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। आगे चीजों को थोड़ा ढंग से समझने के लिए अपन जेड को पुट कर देते हैं बच्चों एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब आप समझ सकते हो कि जेड प्लस जेड बार तो कितना हो जाता है, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड यानी 2x, और जेड माइनस जेड बार हो जाता है 2 आयोटा वाई, बराबर में है 4 आयोटा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा देखिए, और आयोटा से आयोटा, और आपको फाइनली मिला एक्स वाई बराबर 1। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ये कर्व भी अपना जाना पहचाना कर्व है, और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट, इस तरह से। तो इसके ऊपर हम कहीं पर भी पॉइंट जेड ले सकते हैं। अब देखिए सवाल आगे पढ़ते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर, ये अपने को बतानी है। जेड वन का रियल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जेड वन मुझे कर्व की इस ब्रांच पे लेना है, जैसे कहीं ये जेड वन हो गया, जेड टू का रियल पार्ट नेगेटिव जिसमें एक्स नेगेटिव हो, यानी इधर लेना है, मान लो ये जेड टू हो गया, ठीक है भाई। और ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों, ये होती है मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, करेक्ट। और इसी को मिनिमम करना है, देखो मिनिमम डिस्टेंस पे चाहिए मुझे। तो ये मिनिमम डिस्टेंस में हमको कब मिलेंगे, राइट, मिनिमम दो कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आती है भाई, जब वो कर्व कैसे हो, दोनों अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दोनों पॉइंट पे नॉर्मल सेम होना चाहिए। अब यहां देखो, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लो तो सिमेट्री से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कर्व सिमेट्रिक है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे 0-0 में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, राइट। और इसके ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों 1-1, और इसी की रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी -1, -1। ये पॉइंट सबसे नियरेस्ट होंगे यहाँ पर, ओके। चलिए जी बात आगे बढ़ा देते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं ए और बी नाम दे दूं, तो जेड वन माइनस जेड टू स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर के। और अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लो आप, तो देखिए 1 और माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कर दो 4 प्लस 4 8, ठीक है भाई। तो ये हो गया 8 के बराबर। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 8। तो बेहद आसान सवाल था, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिटिंग अ टारगेट सक्सेसफुली 0.75, ठीक है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी। मैं इसको एच से रिप्रेजेंट कर दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो है वो 0.75 बोले तो 3/4 है, और लेट वी टेक कि इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि कोई मिसाइल जो है वो मिस करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी वो 1/4 हो गई, और इसको अब हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कम्प्लीटली एट लीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट आर रिक्वायर्ड, किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है तो उस पर कम से कम 3 हिट तो डायरेक्टली होने चाहिए, राइट। देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल दैट हैव टू बी फायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95। किस चीज की प्रोबेबिलिटी, टारगेट के डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी, और डिस्ट्रॉय कब होगा, जब कम से कम 3 हिट लगे, तो एटलीस्ट 3 हिट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये कैसी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 0.95 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, यानी इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो, ये आपने को कंडीशन दी हुई है। बताओ कितनी मिसाइल हम फायर करें,
तो हम ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ मिसाइल इज एन, कि मान लिया कि टोटल हम लोग एन मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, राइट। तो उसमें से कम तीन सही निशाने पर लगनी चाहिए, तो कम से कम तीन सही लगनी चाहिए ना। तो उसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वन माइनस टोटल, माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है। कौन कौन से केस छोड़ दो, जब एक भी मिसाइल सही निशाने पे ना लगे, एग्जैक्टली एक ही मिसाइल सही निशाने पे लगे और एग्जैक्टली दो मिसाइल हिट करे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हिट करेक्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हिट एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हिट। ये लो भैया 95। चलिए इस 95 को तो इधर ले आते हैं और मैं दोबारा से लिख देता हूँ 0.95। इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 0.95 कितना हो गया 0.05। तो मैं उसको 0.05 बोले तो 5/100 या 1/20 लिख दें। चलिए जी 1/20 इधर आ गए, इन तीनों को उधर ले चलते हैं तो प्लस में हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं, देखो टोटल मैं एन मिसाइल फायर कर रहा हूँ, एक भी हिट नहीं करनी चाहिए, यानी सबकी सब मिस करनी चाहिए। तो पहली मिसाइल मिस करे प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरी के लिए भी इतनी, तीसरी के लिए भी इतनी, तो सबके लिए मिला के हो गई 1/4 पावर एन। प्लस एन में से एग्जैक्टली एक मिसाइल हिट करे, या बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो एन में से एक, तो कौन सी एक, इसके कितने केस बन जाएंगे एन सी वन। अब वो एक मिसाइल हिट करे इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, बची हुई कितनी मिसाइल बच गई एन माइनस वन, वो हिट ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 पावर एन माइनस वन। प्लस ये वाली वैल्यू, दो मिसाइल हिट करे तो एन सी टू, एन सी टू राइट, और 3/4 का स्क्वायर और 1/4 की पावर एन माइनस टू, ये मिला आपने को। अभी बहुत आसान है, सबके डिनोमिनेटर में 4 पावर एन है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे बच्चों अपने को मिल जाता, देखो 4 पावर एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टाइम 3n इंटू 3n प्लस 1 प्लस 2, मतलब उसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखिए पूछा क्या गया है कि कम से कम कितनी मिसाइल डाली जाए। इस इक्वेशन से देखो इसका सॉल्यूशन तो हम ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, बट हमें पता है कि नेचुरल नंबर में आंसर चाहिए हमें, और ये भी पता है कि भाई जो आंसर है वो सिंगल डिजिट नंबर है, 0 से 9 के बीच में आएगा, तो चेक करना पड़ेगा इसको हमें, राइट। तो 0 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ना, तो मैं सीधे सबसे पहले 5 पे चेक करता हूँ कि क्या n इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम देखो n की वैल्यू 5 ले लें बच्चों, इधर देखिए 4/5 2/10 1024, तो ये इधर तो हो गया 1024, क्या ये इससे बड़ा होगा भाई, इधर आ जाओ 5 पुट करो यहाँ पे, कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 16, 15 यहाँ कर लूँ मैं रफ कैलकुलेशन इंटू 16, और तो भैया कितना हुआ 15 इंटू 16, देखो 15 30 हो गए, 30 × 8 = 240 242 2420। तो ये तो गलत बात है, यानी 5 मिसाइल फायर करने से तो बात नहीं बनेगी, 5 से आगे चलते हैं, पीछे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, कम से कम मिसाइल देखनी है तो 5 पे बात नहीं बन रही, तो 5 से ज़्यादा फायर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं n का वैल्यू 6 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ले लो भाई n का वैल्यू 6 ले लो, n का वैल्यू 6 लोगे 4/6, 4/6 का मतलब हो गया 2/12, ठीक है 2/12 का मतलब हो गया 1024 × 4, यानी 4096 हो गया इधर, तो सामने की तरफ कितना हो गया, n का वैल्यू 6 डालो यहाँ हो गया 18 × 19, सही है भाई, प्लस और ये देख लेते हैं कितना होता है, तो 18 × 19 कितना हो गया 20 − 1 करें अगर 12 360 − 18, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारे पास 2 4 3, और ये 2 और ऐड हो जाएंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3440। तो अब देखो 4096 बड़ा है इससे, तो ये वैलिड हो गई n इक्वल टू 6 के लिए। तो अब 6 से ज़्यादा मिसाइल फायर करोगे तो भी ट्रू होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, सही ना, नंबर ऑफ मिसाइल बढ़ाने से टारगेट के डिस्ट्रॉय होने की। तो मिनिमम 6 मिसाइल अपने को फायर करनी पड़ेगी, यानी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। ओके
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओके ओरिजिन सेंटर है, आर इसकी रेडियस है, आर का वैल्यू रूट 5/2 से बढ़ा है, ठीक है जी। सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी क्यू इज दिस, डायग्राम बनाते हैं बच्चों, आ जाओ। ये इस तरह की कहानी है कुछ कि देखो ये तो है एक सर्किल जिसका सेंटर हैगा ओरिजिन, ठीक है, ये है मान लो इसकी कोई कॉर्ड पी क्यू, और इस कॉर्ड के बारे में मुझे दिया हुआ है कि इसकी इक्वेशन है 2x + 4y = 5, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओके ओ पी क्यू इसको मिला लो ऐसे, ये ट्राइंगल बन गया ओ पी क्यू, तो इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल का सेंटर, मतलब इसका जो सर्कम सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, ओके। अब इस लाइन को और इस लाइन को गौर से देखो और बताओ दोनों में क्या खास बात है, और वो बात ये कि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल तो इसके पैरेलल बनानी है, अब वो पैरेलल इधर बनाए कि इधर बनाए, ये चेक करने का एक और तरीका है कि ओरिजिन से डिस्टेंस देखो। अगर आप इस लाइन की ओरिजिन से दूरी निकालें, मतलब अगर ये दूरी निकालते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एम नाम दे दूं, तो ये दूरी जो ओ एम है इसको मैं एल बोल देता हूं यहाँ पे एल, तो ओ एम डिस्टेंस है जो एल है बेसिकली, वो कितनी होगी इसकी निकालोगे दूरी, तो आएगा 5/16 × 4√20, जिसको कि आप लिख सकते हो √5/2, तो ये डिस्टेंस है। दूसरी तरफ इसकी डिस्टेंस निकाले अगर ओरिजिन से, तो वो कितनी आएगी 4/√5, तो 4/√5 और √5/2 में कौन बड़ा है, तो वो बड़ा है भाई 4/√5, तो वो लाइन इससे दूर है, ओके। यानी यहाँ कहीं बना दूँ मैं ऐसे, तो ये लाइन, ये एक और लाइन है ऐसे मान लो, ठीक। सर्कम सेंटर कहाँ होता है, ट्राइंगल की साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे। अब ये ट्राइंगल अपना तो पी क्यू साइड हो गई, तो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये लाइन ही हो गई, तो इसी लाइन पे जब आप आगे चलोगे ऐसे, तो वो यहाँ कट करके यहाँ आएगा सर्कम सेंटर सी, ये है भाई सर्कम सेंटर, ठीक है। अब सर्कम सेंटर की एक खास बात होती है कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे होता है, इसका मतलब सी की ए से डिस्टेंस, सी की बी से डिस्टेंस और सी की ओ से डिस्टेंस सब बराबर है, ठीक है। और कितनी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको थोड़ी देर के लिए हम नाम दे देते हैं कैपिटल आर, ठीक है ना। स्मॉल आर क्यों नहीं दिया, क्योंकि स्मॉल आर इस बड़े वाले की रेडियस है, यानी ये जो ओ क्यू दूरी आपको दिख रही है ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। ओ सी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। सी क्यू डिस्टेंस कितनी है, अच्छा मैं भाई ये ए और ये गलत लिख गया, अभी पी और क्यू है भाई, सी पी और सी क्यू है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, इधर भी ये कैपिटल आर है, राइट। और कैपिटल आर की वैल्यू भी बता दूं मैं आपको, ओ की सी से डिस्टेंस, मतलब ओ की इस लाइन से डिस्टेंस जो हम ये पहले निकाल चुके हैं कितनी है भाई, 4/√5। अब इन सब के बेसिस पे स्मॉल आर अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ आ जाओ डायग्राम देखो, छोटा सा डायग्राम है, आर स्क्वायर बराबर, क्या तुम्हें दिखाई देता है, बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो एक बार फिर से, पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ पे एम क्यू स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये हो गया भाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस सी एम, कितना है देखो सी एम डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी, ओ सी कितना है आर, ओ सी में से एल घटा दो, यानी कि आर माइनस एल का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे, ये दोनों टर्म कट जाएगी, आपको मिलेगा 2RL, वैल्यू डाल दो, 2 आर का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर का वैल्यू है 4/√5 और स्मॉल एल का वैल्यू है वो रहा √5/2, तो कैंसिल हो के तुम्हें मिला बच्चों 4, ये 4R² का वैल्यू है, तो R का वैल्यू कितना हुआ 2, ये है आपका आंसर। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, एकदम क्लास 9 की ज्योमेट्री पे बेस्ड था ये, कहीं भी इसमें कोई हायर कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है,
द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, ये तो हम लोग जानते ही हैं. इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज 3. चलो शुरू करते हैं. ए मैट्रिक्स है मेरे पास एक 2x2 की, ए बी सी डी, आसान है मान लेते हैं. ट्रेस ऑफ ए यानी कि ए प्लस डी अपने को दिया हुआ है 3. करना क्या है? एंड द ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ओके ए क्यूब करना पड़ेगा. देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ओके डिटर्मिनेंट ए निकालना है. डिटर्मिनेंट ए बोले तो यहां से देखिए दैट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ये पता करना अपने को कितना होगा. लेकिन अभी एक कंडीशन ये वाली, इसको लगाने के लिए ए क्यूब पे जाना पड़ेगा. आ जाओ देखो पहले ए स्क्वायर निकाल दें. सुनो ध्यान से, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? आप ए बी सी डी मल्टीप्लाई करो इसको इससे, ए बी सी डी. देखिए क्या बना, ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यू गॉट ए स्क्वायर प्लस बी सी. ठीक है बच्चों, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, तो बी कॉमन आ जाएगा और बचेगा ए प्लस डी, जिसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 3. ओके यहाँ आ जाओ, सी ए प्लस सी डी, तो सी कॉमन आ जाएगा और ए प्लस डी बचेगा. ए प्लस डी की वैल्यू 3 लिख लेते हैं तो 3c, और ये यहाँ हो गया बी सी प्लस डी स्क्वायर. तो भले भाइयों ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर. ठीक है ना, अब ए क्यूब बनाना है. तो देखो ए क्यूब क्या होगा, यहीं आ जाओ, इसको इससे गुणा कर लेते हैं. है ना, ये ए है ये ए स्क्वायर है, तो ये ऐसे गुणा होगा. देखो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए बी सी, और ये बी गुणा होगा यहाँ पे प्लस 3bc, ये टर्म आएगी. फिर यहाँ जो टर्म आती है उससे मुझे क्या लेना देना, उसे क्यों निकालूं मैं, है ना. अपने को ट्रेस चाहिए, ट्रेस के लिए डायगोनल एलिमेंट चाहिए. यहाँ वाली टर्म कैसे बनेगी, जब ये cd मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 3bc, cd को ऐसे मल्टीप्लाई करें, हाँ 3bc, और d मल्टीप्लाई विद दिस प्लस dbc, dbc प्लस डी क्यूब. That's all. तो चलो जी अब आ जाओ इधर. ट्रेस ऑफ ए क्यूब जो आपको दिया हुआ -18 होना चाहिए, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब है क्या, इसको ऐड करो. देखो कितना आएगा, ए क्यूब प्लस डी क्यूब, पहले तो इनको लिख लेते हैं ना अलग से, फिर ये ए बी सी और ये है डी बी सी, इसमें से बच्चों कॉमन आ गया बी सी, तो अंदर बच गया ए प्लस डी. वेरी गुड, इसकी वैल्यू पता आपने को, 3bc 3bc मिला के हो गए 9bc, दैट इज इक्वल टू -18. चलो जी इधर आ जाओ, ए क्यूब प्लस डी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी का होल क्यूब -3ad इंटू ए प्लस डी. दूसरी तरफ ये बन गया, कितना बन गया ये, यहाँ गलती हो गई मुझसे भाई, 3bc 3bc मिला के 6bc बनेंगे ना, और ये बनेगा 3bc और ये इसमें जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा 9bc बराबर माइनस का 18. ए प्लस डी का वैल्यू कितना है 3, तो इसका क्यूब करोगे 27 माइनस 9, यहाँ पे 3 डा पुट कर देंगे हम, ए डी प्लस 9 बी सी इज इक्वल टू -18, और यहाँ से अब ध्यान दीजिए 9 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये बन गया ए डी माइनस बी सी, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 27 और 18 45, 9 से डिवाइड किया तो 5, ये रहा अपना आंसर. ए डी माइनस बी सी निकालना था. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 5, लेट द फंक्शन एफ एंड जी, इनके डोमेन -1 से 1 है, रेंज आपको दी हुई है, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है. आओ देखो एफ एक्स को देखो, पहले थोड़ा सा ग्राफ की मदद लें हम. अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो वाई बराबर एफ एक्स का, तो वो कैसा आएगा, बहुत ईजीली, ये दोनों लीनियर फंक्शन है, उसमें मॉड लगे हुए हैं, तो ये लाइन सेग लाइन का मतलब लाइंस के यूनियन से बनेगा. अब कहाँ कौन सी लाइन आएगी उस पर बात करते हैं. देखो इफ़ यू पुट एक्स इक्वल टू हाफ, क्यों, ताकि ये 0 हो जाए, तो एक्स का वैल्यू हाफ डालो, ये 0 हो जाएगा, ये 2 आएगा. सो लेट दिस इज द पॉइंट हाफ कॉमा 2, ठीक है भाई, और ऐसे जब ये हाफ हो -1/2 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट है -1/2, 2, तो इनसे पास होते हुए ये एक लाइन आएगी ऐसे, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है भाई, और इसके बाद ये लाइन इधर आ जाएगी,
हाफ के आगे क्या देखो, ये जो लिखा हुआ है मॉड में, दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएंगे, वन वन कैंसिल होकर आपको ये लाइन मिलेगी वाई बराबर फोर एक्स, ठीक है। इसके बीच में ये लाइन वाई बराबर टू है, इसके इधर ये लाइन यू आएगी विच इज़ वाई इक्वल टू माइनस फोर एक्स। तो ये अपना एफ एक्स है, ये कब क्या होगा ये डायग्राम से ही क्लियर आपको। दूसरी तरफ ये जी एक्स देखो, एक्स माइनस बॉक्स एक्स फ्रैक्शन पार्ट एक्स ही तो होता है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट एक्स है, और अपने को बात करनी है माइनस वन से वन में, तो ये माइनस वन, ये जीरो, ये वन, और फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ कैसा होता है भाई, यूं, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो पार्ट है, ये पोर्शन, ये तो होता है वाई बराबर एक्स प्लस वन है, ये वाई बराबर एक्स ऐसे। अब मुझे किस बारे में बात करनी है, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहां देखो, ध्यान दीजिएगा, जी एक्स की वैल्यू एफ में पुट करनी है, एफ की वैल्यू अलग अलग आएगी, राइट, और कब डिफरेंस, मतलब कब अलग अलग होगी, जब एक्स का वैल्यू हाफ से ज्यादा है या हाफ से कम है। तो अपन जी एक्स पुट कर रहे हैं ना, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जी एक्स की वैल्यू कब हाफ से ज्यादा है, कब हाफ से कम है। और जी एक्स का ग्राफ देखो आप, ये जी एक्स की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ रही है यहाँ पे, वन फ्रैक्शन पार्ट है, हाफ यहाँ कहीं बीच में लाइन खींच देता हूँ मैं, दिस इज द लाइन वाई इक्वल टू हाफ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया भाई, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ। तो यहाँ से देखो, अगर मैं एक्स का वैल्यू लेता हूँ माइनस हाफ से कम, माइनस वन से माइनस हाफ, माइनस वन इंक्लूड करना है क्या नहीं करना भाई, तो ये लो जी, माइनस वन से माइनस हाफ लेते हैं ना अगर अपन इसको, तो ये जो फ्रैक्शन पार्ट एक्स है बच्चों, इसकी वैल्यू देखो आप, यहाँ पे हाफ से कम आएगी, जी एक्स की वैल्यू हाफ से कम आ रही है, हाफ से कम आ रही है ना, तो हाफ से कम होने पर जब हम इसको पुट करेंगे एफ में, तो एफ का आउटपुट क्या है, अगर आप इसमें हाफ से कम वैल्यू डालते हो तो एफ एक्स का आउटपुट है वाई बराबर टू, यानी आपको मिलेगा टू। जब एक्स की वैल्यू अपन लेंगे माइनस हाफ से लेकर के जीरो तक, तो ये वैल्यू देखो, ये जो एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वन है, ये वैल्यू हाफ से ज्यादा हो गई, हाफ से ज्यादा होने पर वाई बराबर एफ की वैल्यू आएगी फोर जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स डालेंगे तो फोर जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वन, तो आपको मिलेगा फोर टाइम एक्स प्लस वन। जब आप एक्स की वैल्यू लोगे जीरो से हाफ के बीच में, तो फिर से देखो जी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, हाफ से छोटी हो गई, तो एफ को हाफ से छोटी वैल्यू मिल रही है, तो एफ क्या रिटर्न करेगा, टू वापस से। जैसे x की वैल्यू अब आप हाफ से बड़ी लोगे वन तक, ठीक है, तो उस केस में ये y बराबर x, ये वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, तो f को ये जो g मिल रहा है ये हाफ से ज़्यादा है, तो ऐसे में f क्या रिटर्न करेगा, फोर जी एक्स, यानी कि फोर, और जी एक्स का वैल्यू x है यहाँ पे, तो ये फंक्शन बन गया। अब आप बहुत आसानी से इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं, देखो कहाँ कहाँ चेक करनी है अपने को, माइनस हाफ पे, जीरो पे और हाफ पे। अगर आप इसमें माइनस हाफ डालेंगे दो आ रहा है, इसमें माइनस हाफ डालिया तो भी आपको दो ही मिलेगा, इसका मतलब माइनस हाफ पे कंटिन्यूटी बरकरार है, ओके। जीरो की बात करें, इसमें जीरो डालिए फोर आएगा, इधर जीरो पुट करिए टू आ रहा है, तो एल एच एल आर एच एल जीरो पे अलग अलग आ रही है, तो ये डिसकंटिन्यूस है कहाँ पर, डिसकंटिन्यूस है एक्स बराबर जीरो पर केवल। अगर आप टू पे चेक करेंगे हाफ पे, तो उस पर भी कंटिन्यूस आएगा, एल एच एल भी टू आएगी, इसमें हाफ डालो आर एच एल भी टू आएगी। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की, नॉन डिफरेंशियबल है कि नहीं है ये एक्स बराबर, तो माइनस हाफ पर, जीरो पर और हाफ पर, तीनों जगह नॉन डिफरेंशियबल है। जीरो पे तो चेक करने की जरूरत नहीं, डिसकंटिन्यूस था तो नॉन डिफरेंशियबल होगा ही। रही बात माइनस हाफ पे, देखो यहाँ पे जैसे ये एल एच एल वाला पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन है जीरो, यानी एल एच डी आएगा जीरो, आर एच डी इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है फोर, तो आर एच डी आएगा फोर, तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गई। खैर अब इस पे आता है कि पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हमसे c इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल एट विच एफ ओ जी इज नॉट कंटिन्यूस, तो c का वैल्यू हो गया वन, एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कंटिन्यूटी नहीं है। d इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल एट विच एफ ओ जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो उसकी वैल्यू हो गई थ्री, आपसे c प्लस d पूछा है, तो आपका आंसर हो गया फोर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर। और अब आते हैं हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स, लिमिट का सवाल है। चलिए इसमें सोचना क्या, लिमिट कैलकुलेट करते हैं। देखो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, फिलहाल यहाँ आ जाओ भाई, ओके मैं ना ये लिमिट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ये लगी हुई है,
एक्सप्रेशन पे आते हैं सीधे ही, सुनो ध्यान से, फोर रूट टू साइन सी प्लस साइन डी लगा दो तो क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, थ्री एक्स प्लस एक्स, फोर एक्स बाई टू करोगे साइन टू एक्स, तो यहां आएगा साइन टू एक्स इंटू साइन इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो थ्री एक्स में से एक्स घटा के दो का भाग दोगे कॉस एक्स। यहां आ जाओ, नीचे आ जाओ, अब नीचे देखो ध्यान से देखो क्या क्या करना है। पहले तो समझो, क्या समझो कि जब मैं लिमिट लगा रहा हूं ना एक्स टेंस टू पाई बाई टू, तो आखिर किस चीज से समस्या है, कॉस पाई बाई टू जीरो बनता है राइट, तो ये कॉस पाई बाई टू वो फैक्टर है जो जीरो बना रहा है, तो ये फैक्टर कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो नीचे से भी कॉस एक्स को कॉमन लेने की कोशिश करो कैसे भी, देखो कैसे आ रहा है, सुनना ध्यान से। हाँ तो भाई ये देखो, ये साइन टू एक्स है ना, इसमें कॉस एक्स दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये टर्म ऐसे बन जाएगी फोर साइन एक्स कॉस एक्स और साइन थ्री एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें से माइनस रूट टू कॉमन ले लेता हूं, तो ये वन प्लस कॉस टू एक्स हो गया, वन प्लस कॉस टू एक्स क्या होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस एक्स यहां से भी बाहर निकल गया। अब बच गया देखो ये और ये, ठीक है ना, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस टू टाइम साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, तो सी प्लस डी बाई टू कितना हो गया देखो, फाइव एक्स बाई टू और थ्री एक्स बाई टू को जोड़ो पहले, तो ये हो गया भाई 4x, और फिर 2 का भाग दोगे तो 2x, तो फिर से यहां आ गया साइन 2x, ठीक है, और होता है साइन c माइनस डी बाई टू, तो 5x बाई टू 3x बाई टू कटाओगे तो साइन x बाई टू ऐसा बचेगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे से आपको cos x दिखता है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक इसमें भी है ना, बाहर निकाल के cos x को कैंसिल कर दो, तो ये बन गया लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, देखिएगा क्या बनता है, सुनना ध्यान से, ये cos x तो गया, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू टू फोर और फोर ये हो गए सिक्सटीन रूट टू और साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ से ये कॉस एक्स चला गया है, तो यहाँ बच गया फोर साइन एक्स साइन थ्री एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों, माइनस रूट टू, यहाँ से एक कॉस एक्स चला गया तो टू बच गया और बच गया कॉस एक्स माइनस, यहां से इसको मैंने क्या लिखा टू साइन एक्स कॉस एक्स, तब जाके कॉस एक्स गया यहां से, तो कॉस एक्स तो चला गया, कितना बच गया फोर साइन एक्स साइन एक्स बाई टू, फोर साइन एक्स और साइन एक्स बाई टू। आपकी इच्छा हो तो एलोस्पिटल रूल लगा सकते हो किसी भी स्टेप पे आप, मैं नहीं कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू। सुनो अब ध्यान से, फिर से गौर करने की वाली बात क्या, कि अभी भी ऊपर कॉस एक्स है जो जीरो बना रहा, तो ये फिर से कैंसिल आउट होगा, तो चलिए फिर से कॉस एक्स को काट देते हैं, ठीक है, और कैसे काट दिया हमने cos x को, तो वो देखिए अब आप कैसे काटते हैं, सुनना देखो ध्यान से, 16 रूट टू साइन एक्स कॉस एक्स, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, है ना, ये टर्म देखो और ये टर्म, दोनों से क्या कॉमन आता है भाई 4 साइन x, इसको कॉमन लेने के बाद बचता क्या है, साइन 3x बाय टू माइनस साइन x बाय टू, इसमें साइन c माइनस साइन d लगाओ, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, थ्री एक्स बाई टू एक्स बाई टू जोड़ोगे टू एक्स, टू से डिवाइड करोगे तो बनेगा कॉस एक्स, और होता है साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि एक्स बाई टू, और है माइनस का फोर साइन सॉरी माइनस का टू रूट टू कॉस एक्स। अब देखिए ध्यान से, ये कॉस एक्स कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, बचे में अब आप लिमिट डाल दो, कोई तकलीफ नहीं होगी, ऊपर है 16 रूट टू साइन पाई बाई टू वन हो जाएगा, नीचे आ जाओ 4 और ये 2, ये तो हो गए 8, साइन पाई बाई टू वन हो गया, ये हो गया साइन पाई बाई 4, पाई बाई टू डालने पर साइन पाई बाई 4 कितना हुआ 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू इसको काटेगा तो यहाँ बचेगा 4 रूट टू माइनस, ये कट गया 2 रूट टू यहाँ बचा हुआ है, ठीक है भाई, तो कितना हो गया 4 रूट टू माइनस 2 रूट टू, टू रूट टू ऊपर 16 रूट टू कैंसिल होकर आ गया 8, तो इसका आंसर है भाई 8।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां से स्टार्ट होता है, वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो क्या सवाल है? बी ए नॉन जीरो रियल नंबर, एफ आर से आर में एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, एफ ऑफ 0 1 है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ डे सेटिस्फाई दिस, ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि एफ डैश और एफ एक्स गिवन है बच्चों, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ऐसे लिख दो इसको, इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग एफ एक्स, इसका कितना होगा 1 बाई बी टेन इनवर्स बी बाई एक्स और प्लस का सी। इस सी से निपटने के लिए अपने को ये कंडीशन दी हुई है कि एक्स का वैल्यू 0 तो एफ एक्स का वैल्यू 1, तो अगर वो मैं इसमें पुट कर दूं, देखो ये उल्टा लिख दिया बच्चा, एक्स बाई बी आएगा एक्स अपॉन बी, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ एफ ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, log 1 भी 0 होता है, इसका मतलब c भी 0 है ना। तो सिंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 तो इट गिव्स c इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू 0 डालते ही आपका फंक्शन जो है ऐसे हो गया एफ एक्स बराबर, देखो ये log हटाऊंगा ना तो सामने हो जाएगा e की पावर 1 बाई बी और tan इनवर्स x अपॉन बी, ये फंक्शन है। जवाब देते हैं, b पॉजिटिव हो तो f इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखिए tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, ठीक है ना, पहली बात। अब सुनो, देखो अगर b पॉजिटिव है तो tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव x है तो वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। अगर b नेगेटिव है तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो -2 है ना, तो क्या होगा, यहाँ से जो माइनस वो बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ फिर भी टेन इनवर्स एक्स ही रहेगा पॉजिटिव फॉर्म में। आप चाहे तो डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, यार छोड़ो एफ डैश एक्स निकालो, ख़त्म करो किस्सा। एफ डैश एक्स निकालोगे तो आएगा ई की पावर 1 बाई बी और टेन इनवर्स एक्स बाई बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा फाइनली। और ये देखिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव चीज है, इसमें जितनी भी चीजें सब पॉजिटिव है, यानी कि एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, बी चाहे जैसा ही हो। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत हो गया, क्योंकि डिक्रीजिंग बोल रहा है ना, बी नेगेटिव पे भी इंक्रीजिंग ही होगा। ये एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या रिलेशन है, ठीक है भाई, ये एफ एक्स है, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स लोगे तो ई की पावर 1 बाई बी और टेन इनवर्स माइनस एक्स बाई बी होगा, लेकिन टेन इनवर्स में से माइनस बाहर आ जाता है ऐसे, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वापस से एफ एक्स बन जाएगा। तो ये रिलेशन है, इसका मतलब सी सही हो गया, डी गलत हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए 1 से बड़ा है, बी ए से छोटा है, पी बी ए पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट लाइज ऑन द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला ड्रॉ करें, मतलब कुछ ऐसी कहानी है कि भाई ये हाइपरबोला हो गया ऐसे, ठीक, ये है a कॉमा 0, a 1 से ज्यादा है, ठीक है। सपोज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पॉइंट p पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, ओके। ये 1, 0 इधर आएगा कहीं, है ना, क्योंकि ये a कॉमा 0 है और ये से ज्यादा है। अब ये कह रहा है यहां से एक टेंजेंट बना लो, यूं ये है मान लो पॉइंट पी और इस पे जो टेंजेंट है 1, 0 से पास हो रही है। सपोज दैट अ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल बना लो ऐसे, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, ये नॉर्मल बन गया ऐसे। ये जो नॉर्मल है ये इसके दोनों इंटरसेप्ट बराबर हैं, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इसका स्लोप जो है ना वो -1 है, और नॉर्मल का स्लोप -1 है, तो इस टेंजेंट का कितना हो गया, इसका स्लोप 1 हो जाना चाहिए फिर, तो ये स्लोप जो है ये 1 है, ठीक है। लेट डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट पी, नॉर्मल एट पी एंड द एक्स एक्सिस, ओके। इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए और बी, तो डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ए बी पी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ई का मतलब इसेंट्रिसिटी है, ओके। ई और डेल्टा दो चीज़ों पे बात करनी है, आ जाओ सारी कंडीशन लगा देते हैं। इस हाइपरबोला पे अपने को एक जनरल पॉइंट मानना होता है पी, तो अपन क्या लेते हैं ए sec थीटा और बी tan थीटा,
इस पॉइंट पी पे अगर आपको टेंजेंट लिखनी हो, टेंजेंट, तो वो क्या होती है? वो होती है x बाई ए sec थीटा माइनस y अपॉन बी tan थीटा इक्वल टू वन, सही है। अब मेरे पास देखो दो कंडीशन है टेंजेंट से रिलेटेड, है ना, कि इसको ऐसे रहने दो यार, ठीक है। तो ये लाइन AP हो गई एक तरह से, बट AP की इक्वेशन अगर हम ऐसे देखें 1,0 से पास होती है और 1 इसका स्लोप है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y बराबर x तो हो ही गया, 1 स्लोप है तो, और x का वैल्यू 1 डालने पे y का वैल्यू 0, तो ये लाइन ऐसे हो गई, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा और थोड़ा सजा के लिख लें, अगर हम सामने 1 कर लें तो आपको ऐसे मिलेगा, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों ना एक ही लाइन है, तो अगर ये दोनों एक ही लाइन है तो इसको कंपेयर कर लो। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि भैया sec थीटा अपॉन a 1 होना चाहिए, यानी कि sec थीटा की वैल्यू हो गई a और tan थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों b। तो ये हमें sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू ab की फॉर्म में मिल गई है। अब आ जाओ हम एक एक चीज़ को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मुझे इसेंट्रिसिटी चेक करनी है। हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो तुम्हारे पास b बाई ए क्या हो जाएगा, देखो b में a का भाग दोगे, tan थीटा अपॉन sec थीटा विल बिकम sin थीटा, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तुम जानते हो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका, रूट टू, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन रूट टू, राइट। तो आपका आंसर सही हुआ, देखो ए और बी में से क्लियर हो गया, ए सही है, वन से बड़ी है, ये तो दिखी रही होगी, सोचना भी क्या, हाइपर बोला है तो वन से बड़ी ही होगी, तो ये क्लियर। अब आता है डेल्टा पे, ठीक है, इसका एरिया निकालना अपने को। एरिया निकालने के लिए अपन क्या फंडा काम में ले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले सकते हैं, और उसके लिए मुझे पॉइंट बी निकालना पड़ेगा। पॉइंट बी देखो क्या है, ठीक है जी, पॉइंट बी निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से। ये लाइन निकाल लेता हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन, इधर आ जाओ, इस लाइन की इक्वेशन देखो, ये कहाँ से पास होती है, इसका स्लोप क्या है, पहली बात तो माइनस वन, तो माइनस वन स्लोप है ना, तो ये एक्स प्लस वाई हो गई, ऐसे बराबर में क्या आएगा, ये इस पॉइंट से पास होती है, ए sec थीटा बी tan थीटा, sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू मेरे पास चुकी है, आ चुकी है, तो एक तरह से ये पॉइंट ए स्क्वायर है, ये पॉइंट बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉइंट से पास होती है, तो सामने हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये पॉइंट बी क्या होना चाहिए, बी का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है और एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा जीरो, ये पॉइंट 1,0 है और ये पॉइंट ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो ये पूरा इसका बेस हो गया कि नहीं हो गया, तो बेस कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, हाइट हो गई ये बेसिकली इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है यानी कि बी स्क्वायर, तो ये आया। लेकिन अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में इसको ए या बी में लिखना है कंप्लीटली, तो आइए वो भी ट्राई करते हैं, ए और बी में क्या रिलेशन है, वो यहाँ से देखो, sec थीटा ए है, tan थीटा बी है, और इसमें रिलेशन हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस वन के, यानी आप चाहो तो ए स्क्वायर की जगह डाल सकते हो बी स्क्वायर प्लस वन, वापस यहाँ आ जाओ, तो ए स्क्वायर की जगह रख दो भाई बी स्क्वायर प्लस वन, तो वन वन कट जाएगा, ये हो गया टू बी स्क्वायर, टू से टू कट जाएगा और आपको मिल गया बी की पावर फोर, यानी कि सही आंसर है बच्चों डी। तो देखा आपने, ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एफ एक फंक्शन है विच इज डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, जी भी आर टू आर है और ये कंडीशन गिवन है अपने को, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी एक्स वन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पहला है देखो, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स, तो ये चेक करते हैं, f डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये जानने के लिए मुझे f डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डैश x जो है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ h, नहीं सॉरी, f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, सही है।
भाई यहाँ LHD RHD नहीं है, दोनों डेरिवेटिव है यहाँ पे, जीरो प्लस और माइनस दोनों लेके चल रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये LHL LHD और RHD दोनों ले रहे हैं आप। अब इसमें ना अपन ये डेफिनेशन यूज कर लेते हैं कि हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो ये डेफिनेशन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखोगे ना तो आएगा एफ एक्स प्लस एफ एच, एफ एक्स एफ एक्स तो कट जाएगा है ना, और क्या बचेगा अपने पास, एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एच बटे एच। आ रहा है समझ में, यहाँ तक कॉमन आता है एफ एच, उसको बाहर निकाल लो, और इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, कॉमन क्या बोला मैंने, एफ एच कॉमन अपॉन एच और वन प्लस एफ एक्स। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? देखो लिमिट तो एच पे चल रही है, तो एक्स तो कांस्टेंट है, तो वन प्लस एक्स तो लिमिट से मुक्त होकर बाहर चला जाएगा, ऐसे वन प्लस एफ एक्स है ना, और अंदर रह गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच बटे एच। अब इसको यूज कर लो, देखो एफ एच को क्या लिख सकते हैं, एच इंटू जी एच, एच एच कट गया और ये जी एच हो गया एच टेंस टू जीरो पे, जो अपने को दिया हुआ देखो एक्स टेंस टू जीरो पे जी एक्स का वैल्यू वन है, तो एच टेंस टू जीरो पे जी एच का वैल्यू भी वन होगा। सो दिस विल बिकम वन प्लस एफ एक्स इंटू वन। तो देखा जाए तो आपको फाइनली कुछ ऐसा मिला कि एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर होगा भाई, वन प्लस एफ एक्स के। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब मैं यहाँ से, ये एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई मेरे पास, तो यहाँ से हम सॉल्व करके एफ एक्स निकाल लेंगे। इसको ऐसे लिख दें हम, एफ डैश एक्स अपॉन वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू वन। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिला लॉग वन प्लस एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग सी। और अगर बच्चों लॉग काट दो यहाँ से तो तुम्हें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी सी इंटू, सी तो लिखा ही नहीं, ई की पावर एक्स, सी इंटू ई की पावर एक्स माइनस वन। ये आया, क्या हम सी निकाल सकते हैं? सी निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन चाहिए, किसी एक पॉइंट पे वैल्यू चाहिए फंक्शन की। इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसमें एक्स बराबर वाई बराबर जीरो डाल देते हैं, तो इधर आएगा आपके पास एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो है ना, और प्लस एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए। इससे आपको मिला कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हो गया, नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इससे तो दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जीरो और माइनस वन। फिर दिक्कत आएगी डिसाइड करने में कि कौन सा सही है कौन सा गड़बड़ है ना। तो क्या करें? तो ठीक है, जीरो पे अच्छा खाली ये करना चाहिए था ना, एक्स वाई के बजाय केवल किसी एक को जीरो पुट कर दो। वापस से देखो दूसरी बात, पुट एक्स इक्वल टू जीरो ओनली, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वाई और प्लस एफ जीरो एफ वाई। ये बात समझ में आई, एफ वाई कट गए तो एफ जीरो इधर आ गया एफ ऑफ जीरो और प्लस एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वाई बराबर जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो हो, क्योंकि अगर एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है तो मैं इसको काट दूंगा और मुझे एफ वाई बराबर वन मिलेगा, यानी कि एक कॉन्स्टेंट फंक्शन जो ये है नहीं। तो भैया एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो इसलिए आ जाओ अब यहाँ पे, तो एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो इसको अगर हम यूज करें तो सी का वैल्यू आ गया वन। यानी फाइनली अपना फंक्शन एफ एक्स क्या बन गया, ई की पावर एक्स माइनस वन। अब ये आपको बताएगा सारी बातें। तो ये फंक्शन देखो सब जगह डिफरेंशिएबल है, एफ डैश वन चाहिए आपको, निकाल एफ डैश एक्स क्या आएगा, ई की पावर एक्स, एफ डैश वन का वैल्यू क्या आएगा, ई, तो ये गलत हो गया। एफ डैश जीरो ई की पावर जीरो यानी वन, तो ये वाला सही हो गया। जी जीरो वन है तो जी भी डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये भी देख लेते हैं जी एक्स क्या है। देखो अगर आप यहाँ से देखो तो जी एक्स है एफ एक्स बटे एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स माइनस वन बटे एक्स। लेकिन ये डेफिनेशन तभी लागू होती है जब एक्स जीरो ना हो, है ना, वरना तो डिफाइन ही नहीं हुआ। तो जीरो पे अपने को अलग से डिफाइन किया हुआ है, इस सवाल में जी जीरो को वन लेना है, तो जब एक्स का वैल्यू जीरो तो ये वन,
क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो बिल्कुल हम चेक कर लेंगे इसको लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से, राइट। तो यहाँ करूँगा साइड में, तो जैसे यहाँ जी डैश एक्स की अगर मैं बात करूँ तो जी डैश एक्स होगा लिमिट जी डैश जीरो, सॉरी। अच्छा देखिए, यहाँ देखिए ये फंक्शन सब जगह डिफरेंशिएबल है, केवल जीरो पे प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो जीरो पे चेक करेंगे तो जी डैश जीरो हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जी एक्स माइनस जी जीरो डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर, या एक्स माइनस जीरो लिख लो, है ना। आ जाओ जी, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। और सुनो ध्यान से, इसमें से जी जीरो यानी कि वन घटाओगे ना तो ऐसे बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, और एक एक्स नीचे है ऑलरेडी तो ये ऐसे बन गया। अब आप एक्सपेंशन जानते होंगे या स्टैंडर्ड लिमिट जानते होंगे, या आप एल हॉस्पिटल लगा लो और इसकी वैल्यू देखो। इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो पहला टर्म वन आएगा वो कैंसिल हो गया, दूसरा टर्म एक्स आएगा वो कैंसिल हो गया, तीसरी टर्म आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बच जाएगा वन बाई टू, और आगे के सारे टर्म जीरो हो गए। तो जी डैश जीरो हाफ आ रहा है, इसका मतलब जी डैश पे सॉरी जी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है जीरो पर, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। इसका मतलब ये सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो आपका आंसर बी भी सही होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी डी। ओके चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा रियल नंबर है, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, अल्फा प्लस गामा वन है। सपोज द पॉइंट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। ओके आ जाओ, ये ऐसे कह रहा है भाई ये तो एक प्लेन है हमारे पास, ये दिया हुआ, ठीक है ना। अब एक ये पॉइंट है 3, 2, -1, इस पॉइंट की मिरर इमेज इतनी दूरी इधर पे क्या है 1, 0, -1, इसका नाम ए और इसका नाम बी रख देता हूँ। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है 3D में, आप जानते हो कैसे लगाना है, हमें कैसे लगाएंगे कि ये देखो ए बी जो है डी आर ऑफ ए बी, अगर आप ए बी के डी आर निकालो तो क्या आएंगे, देखो ए बी के डी आर हो गए 3 -1 यानी कि 2, 2 -0 यानी कि 2, -1 -1 यानी 0, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो 1, 1, 0 रेशो ही है ये। तो ये जो ए बी के डी आर है और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी ए बी के पैरेलल है, और प्लेन के नॉर्मल के डी आर क्या है अल्फा बीटा गामा, ये अपन प्लेन की इक्वेशन से देख सकते हैं। यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए मतलब अल्फा अपॉन वन बराबर बीटा अपॉन वन बराबर गामा अपॉन जीरो, ये फंडा लग गया। इसका मतलब अल्फा और बीटा बराबर होंगे और गामा की वैल्यू पक्का जीरो होगी, ये चीज आ गई हमारे पास। अब यहां आ जाओ, ये इक्वेशन गिवन है, इसमें यूज कर ले गामा को जीरो, भाई अपने को अल्फा प्लस गामा बराबर वन दिया हुआ ना, तो इसमें यूज कर लूँ तो अल्फा की वैल्यू वन हो गई, बीटा की वैल्यू भी वन हो गई और गामा की वैल्यू जीरो हो गई। अभी भी डेल्टा हमको निकालना बाकी है, तो वो कैसे निकालें। तो दूसरी बात, अगर ये मिरर इमेज है तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट कितना होगा देखो, 3 और 1, 4, 2 का भाग 2, 2, फिर 1 और फिर 0, ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो 2, 1, 0 मस्ट लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, प्लेन आ जाओ गोरा डालो उसमें, 2 अल्फा प्लस बीटा, गामा वाली टर्म 0 बराबर डेल्टा, अल्फा और बीटा की वैल्यू डालो 2 और 1, 3 बराबर डेल्टा। तो लो जी अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आगे चेक करो ऑप्शन, अल्फा प्लस बीटा 2 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, दोनों की वैल्यू 1-1 है। तो गामा माइनस डेल्टा माइनस गामा, डेल्टा माइनस गामा 3 आएगा, सही है। डेल्टा प्लस बीटा, ये डेल्टा और ये बीटा जोड़ने 4 आ जाएगा, ये भी सही है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजेज है, माइनस है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2 -0, इधर तो 2 हुआ, डेल्टा 3, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है आपका ए बी सी। ये बेहद ही आसान सवाल था, सीधे सीधे मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगला सवाल ये रहा, वेक्टर से है ये क्वेश्चन, ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पी क्यू वैक्टर है, ये पी एस वैक्टर है, दीज आर द एडजसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब ऐसे ना, ये P Q R S, ठीक है, U और V इसके प्रोजेक्शन है इस पे, फिर है कि मॉड U प्लस मॉड V W है, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस देन। चलो जी आ जाओ शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा PQ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद PS वेक्टर, दैट इज गिवन टू 18। यहीं से शुरू कर देते हैं, 8 क्रॉस प्रोडक्ट कराओ जी इसका इससे। देखो
ए का इससे कराओगे ना, आई कैप जीरो हो जाएगा, इसको इससे कराओगे तो आएगा माइनस ए बी आई क्रॉस जे यानी के कैप, तो ऐसा आएगा कुछ माइनस ए बी के कैप। फिर बी को कराओगे तो बी ए और जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, तो ये भी बन गया माइनस ए बी के कैप दैट इज इक्वल टू एट, और फिर आगे जे क्रॉस जे तो जीरो हो जाना है, तो ये इसका मॉड कितना हो जाएगा 2ab, यानी आपको यहां से मिल गया कि मॉड ऑफ ab इज इक्वल टू 4, रिलेशन नंबर 1। चलो जी दूसरी तरफ आते हैं, चले आगे। अब कौन सी कंडीशन बच गई लगाने के लिए, ये वाली u का मॉड v का मॉड बराबर w। ठीक है, u v क्या है, u है प्रोजेक्शन ऑफ w अलोंग pq, प्रोजेक्शन ऑफ w अलोंग pq। इधर आ जाओ, पहले u देखो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ w, w का प्रोजेक्शन चाहिए किसके, u कैप की डायरेक्शन में, तो वो ऐसे निकाला जाता है। देखो पहले तो देखो प्रोजेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, w का प्रोजेक्शन चाहिए ना pq की डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा pq कैप के बराबर। ठीक है, और यही मॉड हो गया इसका, बस मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए अपने को, तो दैट इज इक्वल टू w इंटू पी क्यू कैप, कैलकुलेट कर लेंगे अभी। और ऐसे ही मॉड v क्या हो जाएगा, w वेक्टर है, सॉरी है ना, w वेक्टर डॉट ये है पी क्यू नहीं, कौन सा, पी एस वेक्टर, पी एस कैप, यूनिट वेक्टर लेना है। सो जो गिवन कंडीशन उस पर आते हैं, मॉड ऑफ u कैप प्लस मॉड ऑफ v कैप, v वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ w वेक्टर। सुनो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मॉड लोगे आप तो w डॉट pq कैप क्या है, देखो w ये रहा pq ये रहा, तो ये हो गया a प्लस b और नीचे हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है भाई, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट, और इसका यूनिट वेक्टर लेना था ना, तो इसके मॉड से भाग दे दिया हमने, प्लस ऐसे ये हो गया a माइनस b और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और w का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा रूट टू। खेल खत्म, इसको जोड़ो देखो तो कितना आएगा उधर से 2a अपॉन ये, इसको इधर ले आओ, अंडर रूट टू टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 4a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ओहो तो ठीक है, तो a बराबर b अगर मैं लेके वहाँ डाल देता हूँ तो a और b प्रोडक्ट आ रहा है 4, तो इनकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ली है मैंने यहाँ पर। अब इससे आप ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन गलत। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज, पी क्यू आर एस इसकी लेंथ निकाल दी है। आपको पता होना चाहिए ये जो डायगोनल है ये किसके बराबर होगा, पी क्यू प्लस पी एस के। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ, पी आर इज पी क्यू प्लस पी एस, पी क्यू अब कितना हो चुका है 2i प्लस 2j, और पी एस हो चुका है 2i माइनस 2j, सॉल्व करने पे आया 4i कैप, तो डेफिनेटली इसकी लेंथ है 4, और 4 ही दी हुई है, तो ये c सही है। w इज एन एंगल बायसेक्टर ऑफ द वेक्टर पी क्यू एंड पी एस, ये इसका एंगल बायसेक्टर है क्या, देखो एंगल बायसेक्टर जी कतई नहीं है, ये i कैप प्लस j कैप है, और देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है ना सेम है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना तो ये ही इनका एंगल बायसेक्टर है, थीटा थीटा ऐसे करके, राइट। और ये कितना आ रहा हमारे पास, 4i कैप आ रहा, जबकि w क्या है, i कैप प्लस j कैप है, तो ये नहीं है। और ये वैसे भी देख लो ना, अब w तो i कैप प्लस j कैप है, और pq क्या है, pq 2 टाइम i कैप प्लस j कैप है, यानी w बेसिकली pq की डायरेक्शन में है, मतलब इधर है w, तो ये तो गलत हो गया, तो आंसर सही है केवल a और c। चलिए नेक्स्ट, और क्वेश्चन है 12। माय गॉड, सॉल्व कहाँ करें इसके लिए, हमारे पास जगह नहीं है। आइए क्वेश्चन समझते हैं पहले, तो एक तो ये यार ये ऐसे लिखा हुआ ना बड़ा गंदा दिखता है, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, ये एस सी आर है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट को समझा रहा है क्या होता है, कोई जरूरत नहीं थी, ये तो हम सब लोग जानते हैं। मैं इसको ऊपर खिसका लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि अपने को कुछ जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। यार भाई कांपो मत ऐसे, ये पहली लाइन तो बेकार है, वो तो डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो हमें वैसे भी पता है,
मेरे ख्याल से इस जगह में हो जाएगा सॉल्व। आ जाओ, ठीक है ना। अब आता हूँ देखो सीधे सीधे यहाँ पे, जी एम एन को ही कैलकुलेट करना है बेसिकली। जगह 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 की दिक्कत है, तो आ जाओ देखते हैं जी एम एन क्या है। सुनना ध्यान से, दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी का वैल्यू जीरो से लेके एम प्लस एन तक, ठीक है ना। फिर अंदर आ जाओ, अंदर क्या है एफ ऑफ एम एन पी। अब ये एफ ऑफ एम एन पी क्या, ये यहां डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये एस सी आर अपना पुराना लिखा हुआ इधर आ गया ना गलती से, तो एफ ऑफ एम एन पी ये रहा, इसकी वैल्यू डाल देता हूं मैं। तो ये हो गया देखो सिग्मा आई का वैल्यू जीरो से लेके पी तक एम सी आई, ऐसे लिखें इसको चलेगा, एन प्लस आई सी पी, पी प्लस एन सी पी माइनस आई, और डिवाइडेड बाय, ये तो इसकी वैल्यू डाली मैंने डिवीजन में, ये भी तो है एन प्लस पी सी पी। चलो जी देखो, अब यहां सोचने वाली बात देखो, ये सिग्मा लग रहा है, ये सिग्मा आई पे लग रहा है, नहीं यहाँ आई वेरिएबल है, इस टर्म में आई है नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है तो ये अंदर बाहर जा सकता है, तो हम इसको भी सिग्मा के अंदर ले लेते हैं। और अगली स्टेप में इसको ऐसे लिख देता हूँ सिग्मा सिग्मा, एक तो है सिग्मा पी पे लग रहा है, ये सिग्मा लग रहा है किस पे भाई, आई पे जीरो से लेके कहाँ तक, पी तक। और अब ये चारों को मैं ओपन कर देता हूँ ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके। देखो एम सी आई का मतलब हो गया फैक्टोरियल एम, फैक्टोरियल आई और फैक्टोरियल एम माइनस आई मल्टीप्लाई विथ, आगे हो गया फैक्टोरियल एन प्लस आई अपॉन फैक्टोरियल पी और फैक्टोरियल इसमें से पी घटाओ एन माइनस पी प्लस आई, ओके जी। फिर आगे चलते हैं तीसरे पे आते हैं, ये हो गया फैक्टोरियल पी प्लस एन, फैक्टोरियल पी माइनस आई और पी प्लस एन में से पी माइनस आई घटाओगे तो फैक्टोरियल एन प्लस आई। अब ये डिनोमिनेटर वाला है ना, इसको ओपन करते हैं, तो ये नीचे यहां देगा फैक्टोरियल एन प्लस पी, ऊपर देगा फैक्टोरियल पी और फैक्टोरियल एन, ये टर्म्स है जो कैंसिल आउट होता है। देखो उसको कैंसिल आउट करते हैं, तो कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है भाई, देखिएगा ये टर्म गई सीधे सीधे यहां से, ये पी प्लस एन गया यहां से, है ना, ये फैक्टोरियल पी, ये फैक्टोरियल पी खत्म, और तो कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। नहीं एक मिनट देखने दो थोड़ा, हाँ और कोई नहीं हो रहा है, ठीक है चलो। अब तुम देखो कौन कौन सी टर्म को देखें हम लोग, आइए आगे थोड़ी सी और स्पेस चाहिए, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, अब तो ऑप्शन ही चेक करने हैं, तो ऑप्शन ऑप्शन रख लेते हैं हम, ओके। सुनो देखो ध्यान से, दैट इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा, ई का वैल्यू जीरो से लेके एम प्लस एन तक, आई का वैल्यू जीरो से लेके पी तक। देखो ये टर्म तो एज इट इज पड़ी रहने देते हैं, ये तो बन गई एम सी आई बन जाती है वापस से, ध्यान से देखोगे अगर आप तो। और इसको देखो, देखो इसको और इसको ऐड करने पे एन आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये है बेसिकली एन सी और पी माइनस आई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट वाली सीरीज बन गई हमारी। और यहाँ खास बात क्या, अपर इंडेक्स कॉन्स्टेंट है जब हम ये सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं, लोअर इंडेक्स वेरिएबल है, लेकिन इन दोनों का सम, लोअर इंडेक्स का सम पी आ रहा है जो कि कांस्टेंट है इस सिग्मा के लिए। तो जब ऐसा होता है तो इस सीरीज का सम क्या बन जाएगा, इस सीरीज का सम बन जाएगा भाई, आई होप सबको पता होगा ये फॉर्मूला डायरेक्टली, दैट इज सम ऑफ अपर इंडेक्स यानी एम प्लस एन सी, सम ऑफ लोअर इंडेक्स यानी कि पी। और अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज हो गई जिसमें पी का वैल्यू जीरो से लेकर एम प्लस एन तक है, तो ये सीरीज का सम हो जाएगा टू की पावर एम प्लस एन। तो सिंपली जी एम एन का मतलब है टू पावर एम प्लस एन। तो पहला ऑप्शन सही है अपना, जी एम एन करो चाहे जी एन एम करो, जी एन एम करोगे तो जी टू की पावर एन प्लस एम होगा, दोनों बराबर ही होते हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है ना, अगर आप एम एन प्लस वन करोगे देखो जी
एम कॉमा एन प्लस वन, तो आपको क्या मिलेगा, टू की पावर एम प्लस एन प्लस वन। और अगर आप पहले एम प्लस वन लेते हो बाद में एन लेते हो तो भी यही आएगा, तो इसलिए भैया ये भी सही है। जी टू एम टू एन, ये देख लो इधर, जी ऑफ टू एम टू एन करोगे तो बन जाएगा टू की पावर टू एम प्लस टू एन, इसको आप लिख सकते हो टू की पावर एम प्लस एन का स्क्वायर, यानी कि जी एम एन का स्क्वायर, यानी कि डी सही है सी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ए बी और डी। तो ये था डिस्कशन इसके फर्स्ट 12 क्वेश्चन का, और आगे के जो 6 क्वेश्चन बच गए वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम क्या है जेईई एडवांस के 2020 का सेकंड पेपर के न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उसका तो 13 से लेकर वो 18 तक है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट ए फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ एवरी मंथ। इट इज मैंडेटरी दैट द नो टू विजिट्स टेक प्लेस ऑन द कंसेक्यूटिव डेज। सो देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट्स टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाई द इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द 15 जून 2021। तो वो मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या है, वो हर एक मतलब महीने के पहले 15 दिन जो होते हैं तो उसमें वो क्या है, 4 दिन पहले 15 दिन में वो क्या 4 दिन क्या है फैक्ट्री का विजिट करता है। वो 4 दिन ऐसे होने चाहिए कि उनमें कोई भी 2 दिन क्या है कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, लगातार नहीं होने चाहिए, 2 विजिट्स क्या है लगातार नहीं होने चाहिए। तो इसमें पहले आप क्या करोगे, जैसे इसमें तो कोई भी 4 मतलब 4 विजिट्स करेगा तो कोई भी 2 विजिट्स क्या है लगातार नहीं होने चाहिए। तो इसमें से 15 डेज में से तो अपने को 4 को पहले क्या है बाहर आउट कर देते हैं। तो 4 को बाहर आउट किया तो आपके पास में तो नोट सिलेक्टेड क्या हुए फिर आपके पास में, ये 11 डेज हो गए आपके पास में। अब 4 डेज हमने क्या है वो सिलेक्ट कर लिए, वो दिन है जिन पे वो विजिट करेगा। अब उन 4 डेज को आप कहीं भी इनके इन 11 के बीच में, ठीक है, और ऑन आइदर साइड यू कैन इंसर्ट, मतलब इन 11 मतलब ये 11 वो डेज हो गए तो इनमें क्या बीच में और कहीं भी आप उन 4 डेज को मतलब एडजस्ट कर सकते हो जिन दिन वो विजिट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में तो ये कितने तरीके से हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 वे से ही कैन विजिट। तो 12 में से आपको 4 जगह पे एडजस्ट करना है। तो मतलब तो आपके पास में यहाँ पे सपोज करो एक एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे विजिट आ गया एक, तो एक इधर आ गया, अब ये एक इधर आ गया, ठीक है, और एक विजिट यहाँ पे हो गया आपके पास में। इसमें से कोई भी विजिट के आपके पास में मतलब नो टू विजिट्स आर कंसेक्यूटिव नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इंजीनियर कैन विजिट ए फैक्ट्री, ठीक है, तो कितने तरीके से वो 12 C4, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में 12, 11, 10, 9, 4, 3, 2, 1, तो ये आपके पास में 495 आ जाएगा। सो 495, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन विजिट द दैट फैक्ट्री, सो दैट द नो टू विजिट्स आर कंसेक्यूटिव, कोई भी 2 विजिट है उसके कंसेक्यूटिव नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, 6 पर्सन्स आर टू बी अकोमोडेटेड इन दीज 4 रूम्स इन सच ए वे दैट द ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 पर्सन and at most 2 persons, then the number of all possible ways in which this can be done is, तो क्वेश्चन क्या है भी एक रूम में मतलब एक होटल में 4 रूम अवेलेबल हैं, ठीक है, तो 6
पर्सन आते हैं, मतलब उन चार रूम में अकोमोडेट करना, उनको ठहराना है, ठीक है। इस तरीके से भी मतलब हर एक रूम में एक पर्सन अवश्य आए, ठीक है। फिर और अधिकतम कितने उनमें हो सकते हैं, प्रत्येक रूम में दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन, तो कितने तरीके से वो उनको क्या है उन रूम्स में ठहराया जा सकता है। तो आपके पास में देखो, पहले में चार रूम है, तो चार रूम में उनमें ग्रुप मतलब इसमें आपके पास में ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन होगा या ग्रुप डिविजन से कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो, इसमें तो ये फोर रूम हो गए, R1, R2, R3, R4। सो अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज सो फर्स्ट रूम में 2, सेकंड में 2, सो 1, 1, सो दे कैन बी अरेंज फर्दर इन फैक्टोरियल फोर वेज। तो फोर फैक्टोरियल फोर वेज से, तो पहले आपके पास में सिक्स पर्संस को उनका ग्रुप डिवीजन बनाना है, तो उसमें फिर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अकोमोडेट, सिक्स पर्संस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले ग्रुप डिवीजन, तो सिक्स पर्सन यू हैव टू डिवाइड इन टू फोर ग्रुप्स, तो उसमें दो ग्रुप में क्या आएंगे आपके पास में, सो टू ग्रुप्स कंटेनिंग द टू पर्सन ईच एंड टू ग्रुप्स कंटेनिंग द वन पर्सन ईच, तो कितना आएगा आपके पास में, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 होल स्क्वायर एंड फैक्टोरियल 2। अब ये पहले ग्रुप डिवीजन हो गया, क्लियर है। सो नाउ फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू दिस फोर रूम्स, सो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4, क्लियर है। तो ये आप इसको जब आप सोल्व करोगे, तो इसमें आपके पास में फैक्टोरियल 2, ये इसमें 6 आएगा, तो 6 फिर आपके पास में इधर 4 आ जाएगा, तो 720, तो वो 180 आ जाएगा, 180 इंटू 6, तो दैट विल बी 1080, क्लियर है, 0.00 जो भी है। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फेयर डाइस ईच विद फेसेस नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5 and 6 आर रोल टूगेदर, दो निष्पक्ष पासे हैं, उनको क्या है फेंका जाता है, तो देर एक साथ फेंका जाता है, एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व्ड, और उन पे प्राप्त अंकों को नोट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल, ये प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, कब तक, टिल द सम इज आइदर ए प्राइम नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर, तब तक कि भी जब तक क्या है उस पर या तो प्राइम नंबर ना आ जाए और या फिर उस पर क्या पूर्ण वर्ग नहीं आ जाए। सपोज दिस सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट, तो माना कि भी उस पर जो जो सम आता है दोनों पे, जो दोनों पासों पे जो सम मतलब अंक आते हैं, तो उनका सम क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर, तो उन पे क्या है मतलब उनका जो सम है जो आपके पास में अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर आने से पहले आपके पास में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आए। If P is the probability that this perfect square is an odd number, so then the value of 14P is, तो पहले इसमें देखो, this process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. तो जब दो पासों को आप फेंकेंगे, दोनों डाइस को जब फेंकेंगे, तो उसमें obtain the sum of the obtained numbers will be must be either a prime number or a perfect square. तो या तो prime number होने चाहिए या perfect square. परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो उसमें प्राइम नंबर में फिर आपके पास में क्या क्या बनेंगे, प्राइम में प्राइम नंबर, तो एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, 5, 7, ठीक है 11। तो 2 के कितने केसेस बनेंगे आपके पास में, 1, 1, 1 एक केस बनेगा, इसके आपके पास में कितने के बनेंगे, 1, 2, 2, 1 दो केसेस बनेंगे, ठीक है। तो 5 के आपके पास में कितने बनेंगे, 5 के इसमें तो 1, 4, 4, 1, 3, 2, 2, 3, तो 7 के कितने बनेंगे आपके पास में, 7 के, तो इसमें 1 इधर आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 4 आएंगे,
तो इसमें 16, तो 61, ठीक है, तो इधर 34, 43, 52 और 25, तो इसके 6 केसेस बन गए यहाँ पे। तो 11 के आपके पास में क्या आएगा, 65 और 56, ठीक है, तो ये इस टाइप से रहेगा। तो इसमें आपके पास में दो केसेस आ गए, तो ये सो टोटल कितने हो गए, टोटल 15, तो 15। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जैसे 4 है, 4 के लिए आपके पास में कितने रहेंगे, 4 के लिए सो 2 2 1 3 3 1, इस तरीके से। फिर 9 के लिए आपके पास में क्या आएंगे, तो दीज आर दी 2 परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें तो ये आपके पास में 4 5 5 4 6 3 3 6, तो ये आप टोटल कितने हो गए इसमें, 7, क्लियर है। अब अपने पास में देखो यहां पे परफेक्ट स्क्वायर वाले, तो अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिस सपोज दिस सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने से पहले आपको क्या चाहिए, वहां पे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई, तो प्राइम नंबर आने से पहले वहां पे क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, ठीक है, तो ये आता है। फिर कहता है इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट दी दिस परफेक्ट स्क्वायर इज ए ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आता है, तो ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई आपके पास में यहाँ पे। तो देखो अब इसमें, तो इसमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो इसमें क्या है, पहले क्या है, सपोज वो क्या कह रहा है कि माना कि भी इसमें परफेक्ट स्क्वायर द सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर, तो प्राइम नंबर आने से पहले कहता है परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी पहले हो रही है, ठीक है, तो पी इज द प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें फिर वो इफ द पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ओड नंबर, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी आंसर क्या बनेगा, फिर इसमें देखो, इसमें सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर, बिफोर प्राइम नंबर, इधर सम इज परफेक्ट स्क्वायर, सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, दिस विल बी इक्वल टू, तो ये आपके पास में देखो टोटल यहां पे आपके पास में इधर कितने, 15, 7, सो 22, सो आपके पास में 14 ऐसे केसेस बनेंगे जिसमें न तो क्या है, नाइदर यू कैन गेट दी हेयर द सम इज द प्राइम नंबर नोर ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ना ही उसमें परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अब इसमें तो 22, तो उसमें आपके पास में 14 केसेस ऐसे हो गए इन विच द नाइदर यू कैन गेट दी हेयर द सम इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉर प्राइम नंबर, तो ऊपर आपके पास में क्या है दिस, तो इसमें देखो यू हैव टू, तो तब तक उसमें फेंकते जाना है जब तक क्या आपके पास में उसमें जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड नंबर का नहीं आ जाए ऊपर। तो पहले जब आपके पास में पहले केसेस में आपके पास में सपोज करो आपके पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है किसका, ऑड नंबर का, और वो कितना आपके पास में, तो मैंने आपको 9 के लिए देखो 4 के लिए इसमें आपके पास में क्या था, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 4 के लिए आपके पास में ये हो गया, 9 के लिए हो गए, तो 9 के लिए आपको 9 चाहिए, दैट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, तो वो आपके पास में क्या बनेगा यहाँ पे 4 अपॉन 36, तो फर्स्ट
फर्स्ट में ही आ जाता है आपके पास में तो 4/36, तो फिर नेक्स्ट में आपके पास में दो टॉसेस करते हो आप, दो ओवर फेंकते हो, तो उसमें फर्स्ट में नहीं आता, तो फर्स्ट में नहीं आता तो इसका 14/ क्या आएगा आपके पास में 36 इंटू, तो सेकंड में आता है 4/36 प्लस एंड 14/36। अब तीन बार उसको टॉस किया तो दो पहले दो में आपके पास में क्या नहीं आ रहा, तो उसमें नाइदर द सम इज द ऑड, ठीक है, नाइदर द सम इज द क्या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर और प्राइम नंबर, द सम इज द प्राइम नंबर, तो उसमें न तो उसका सम क्या प्राइम नंबर आ रहा है, तो इसमें फिर आपके पास में तो 4/36, तो ये एक जीपी बनेगा ऐसे। तो सिमिलरली नीचे आपके पास में क्या है, इसमें क्या, दिस सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर द प्राइम नंबर, तो उसमें आपके पास में अब नीचे जो बनेगी, जो आपके पास में इनफाइनाइट जीपी बनेगी, तो उसमें जो सम जो आ रहा है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, मतलब भी पहले क्या आना चाहिए, मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ मतलब ऑड नंबर, या मतलब इसमें क्या होना चाहिए, मस्ट बी मतलब इस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दी ए नंबर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर चाहिए, अपने परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो किससे पहले, प्राइम नंबर से पहले, तो उसमें फिर आपके पास में केसेस क्या बनेंगे, देखो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पे 7/36 इंटू, ये पहले केस में, अगर पहले केस में अगर आपके पास में वो क्या आ जाता है, यू आर गेटिंग द सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब तो एक नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, मतलब जैसे 4 या 9 आता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी आपके पास में 7/36 बन गई, तो पहले केस में। अगर फिर नहीं आता तो फिर दो बार टॉस करेंगे, उसको दो बार फेंकेंगे तो प्लस क्या आएगा फिर आपके पास में, तो 14/36, तो सेकंड टॉस में आपके पास में फिर क्या आ रहा है, तो जो सम आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास में कितना आएगा 7/36 प्लस, फिर आप तीन बार जब टॉस करेंगे तो पहले दो टॉसेस में क्या नहीं आ रहा आपके पास में, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा नंबर का, ठीक है, तो जैसे 4 और 9 नहीं आ रहा, तो उसमें फिर किसका आ रहा आपके पास में, देयर सम इज द इव मतलब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आ रहा है, तो उसमें फिर 14/36 होल स्क्वायर इंटू 7/36, तो ये दोनों इनफाइनाइट जीपी बन गई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट हियर 4/7, तो 4/7 आएगा आपके पास में। अब ये पी मिल गया हमें, सो आंसर क्या चाहिए हमारे का, तो देखो सो 14p, सो 14p इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा आपके पास में, तो 14 × 4/7, सो दिस इज 8, तो इसका आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 16th क्वेश्चन में देखो, लेट द फंक्शन f 0 to 1 r बी डिफाइंड बाय द fx इज इक्वल टू 4x/x + 2, ठीक है। अब इसमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो इस क्वेश्चन में अगर अपने f 1 - x निकालें और इसमें ऐड करते हैं तो देखो उसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसमें थोड़ा सा ये जो आपको वैल्यू जो दी हुई है, इसकी जो वैल्यू निकालनी है, इसमें थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे 1/40 एंड 39/40 इन दोनों का सम जो आ रहा है 1 आ रहा है, तो अपने को यहाँ से ये सजेस्ट करता है कि ये f1 - x आप निकालो, तो f1 - x निकाल कर fx में ऐड करो, देखो क्या फंक्शन आता है, तो इसमें देखो f1 - x सो 4 1 - x अपॉन 4 1 - x + 2, तो ये आपके पास में 4 / x + 2, तो 4, तो इसे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे 4 x / x, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 + 4 x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो fx + f1 - x, सो इनका सम आपके पास में 4 x + 2 एंड 4 x + 2, सो दिस इज 1, तो इनका सम हमारे पास में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे देखो 1/40 एंड यहाँ पे 1/40 डालेंगे तो क्या आएगा, f1/40 + f39/40, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो एक बीच में एक ऐसा टर्म है, ऐसे आपके पास में ये 39 टर्म्स हैं,
39 टर्म्स है, तो एक टर्म ऐसा होगा जो किसी के साथ में पेयर नहीं बनेगा, दैट विल बी F20/20, वो F20/20 होगा, तो उसको अपने F20/40 वो किसी के साथ में पेयर नहीं बनाएगा, उसको अलग कर लेंगे। तो देखो इसमें F1/40 + F39/40, तो ऐसे ग्रुप बना लेंगे, ऐसे पेयर बनेंगे ये, तो ये आपके पास में, सो F लास्ट में इधर F19/40 + F21/40 फिर प्लस F20/40 - F1/2, तो इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये द वैल्यू ऑफ इस, ये ऐसे कितने पेयर्स हैं आपके पास में, तो इसमें आपके पास में यहां पे, तो ये 1/2 ये कटेगा, तो इसमें ये 39 थे, तो ये 38 आपके पास में, मतलब ये ऐसे ये 19 पेयर बन गए, तो टोटल ये टर्म्स कितने थे यहाँ पे, 38 हो गए, तो ये आपके पास में ऐसे 19 पेयर्स बन गए, तो 19 पेयर से, तो फ्रॉम ईच पेयर यू विल गेट वन, तो सब हर एक पेयर से आपको वन वैल्यू मिलेगी, तो कितनी बार आएगा ये आपके पास में 19 टाइम्स आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास में आंसर क्या हुआ इसका, 19, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट द इट्स डेरिवेटिव एफ डैश इज कंटिन्यूस, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूस है, एफ डैश इज कंटिन्यूस, एंड एफ पाई इज इक्वल टू -6, एफ कैपिटल एफ मतलब फंक्शन है, फिर एक जीरो डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू जीरो पाई टू आर इज डिफाइंड बाई द कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इनडेफिनेट इंटीग्रल हैविंग द लिमिट फ्रॉम जीरो टू एक्स एफ टी डी टी। सो अब इसकी वैल्यू आपके पास में देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 है, तो डेफिनेट इंटीग्रल हैविंग लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई एफ डैश एक्स स्मॉल एफ है, तो प्लस कैपिटल एफ एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो इसमें सॉल्यूशन के लिए, तो कैपिटल एफ एक्स डेफिनेट इंटीग्रल एफ टी डी टी, इसमें इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा एफ डैश एक्स एफ एक्स, तो ये हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो अब इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2 की, तो वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, एफ जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस रिलेशन को यूज करेंगे हम, अब तो इसमें एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स कोस एक्स, अब इसमें एफ एक्स की यहां पे आपके पास में कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू भी है, इसको इसको कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, उसको बाई पार्ट्स इसमें लगाकर, तो जीरो से पाई एफ डैश एक्स कोस एक्स डी एक्स, जीरो टू पाई कैपिटल एफ एक्स कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको बाई पार्ट्स करेंगे, तो बाई पार्ट्स करेंगे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, बाई पार्ट्स, तो कोस एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसको एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स भी है, तो हमारे पास में क्या आएगा, कोस एक्स एफ एक्स हैविंग लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई माइनस, फिर आपके पास में इसका डेरिवेटिव, तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो साइन एक्स इंटू एफ एक्स जीरो टू पाई तो इसको हम सेम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, अभी एक बार इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये कोस एक्स इस पार्ट को, अब इसमें आप कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू डालो, तो ये आपके पास में स्मॉल एफ एक्स की, तो स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास में एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश एक्स, तो ये तो कॉस पाई माइनस वन, तो ये
यहाँ पे क्या माइनस वन, तो ये कॉस एफ पाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स इसमें गिवन है ये, तो उसको वैल्यू का डालेंगे तो यहाँ पे आपके पास में सिक्स आ जाएगा, तो ये वैल्यू सिक्स मिलेगी यहाँ पे, सिक्स माइनस, तो इसमें देखो बाई पार्ट्स, फिर इसमें एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, जीरो टू पाई, तो यहाँ से आपके पास में, सो फिर इसमें डेफिनेट तो जीरो पे, एफ जीरो पे कितना आ जाएगा माइनस का, माइनस एफ जीरो, क्लियर है। तो अब इसमें इसको फिर इसमें एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे, तो साइन एक्स, तो कैपिटल, तो वो पार्ट वैसे का वैसे ही रहेगा, जीरो से पाई, इजिकल टू टू। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इसको अपने क्या लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो सिक्स माइनस एफ जीरो, ये आपके पास में, तो साइन एक्स एफ एक्स जीरो टू पाई माइनस, सो इंटीग्रेशन ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वो इसका क्या आएगा, कोस एक्स आ जाएगा, और इसका आपके पास में इंटीग्रेशन तक कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा, तो कोस एक्स बन जाएगा इधर, जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई एफ एक्स, कैपिटल है ये, कैपिटल एफ एक्स है, इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो इज इक्वल टू किसके बराबर है, टू के, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपके पास में जीरो है, इसकी जीरो, तो यहां से आपके पास में सिक्स माइनस एफ जीरो इज इक्वल टू टू, सो एफ जीरो फोर, तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू जीरो पाई टू आर बी डिफाइंड बाई द एफ थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर फोर। सपोज द मिनिमम, सपोज द फंक्शन एफ हैज द लोकल मिनिमम एट थीटा प्रिसाइसली व्हेन द थीटा बिलोंग्स टू लैम्डा वन पाई लैम्डा टू पाई सो एंड सो ऑन लैम्डा आर पाई। सो अब इसमें लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री की वैल्यू आपको दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक, सो दे आर हैविंग द रेंज फ्रॉम जीरो टू वन, लैम्डा वन इज लेस देन लैम्डा टू लैम्डा थ्री एंड सो ऑन, सो देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, इसकी वैल्यू पूछी है आपको। तो इसमें इस फंक्शन की जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो थीटा पे आ रही है, वो थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, वो थीटा कितने हैं, तो अब थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, तो देखो इसमें एफ थीटा, इसको सिंपलीफाई करें होल स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा आपके पास में, वन प्लस साइन टू थीटा एंड वन माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर, इस तरीके से, तो ये आपके पास में वन प्लस साइन टू थीटा, तो इसमें फिर इसको फिर अपने होल स्क्वायर कर लिया, वन माइनस साइन टू थीटा होल स्क्वायर, तो ये वन प्लस साइन टू थीटा, तो वन प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा माइनस टू साइन टू थीटा, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास में साइन स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन टू थीटा प्लस वन, प्लस टू आ रहा है, प्लस टू, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें वन अपॉन फोर ऐड कर दें, वन अपॉन फोर क्या है सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आएगा आपके पास में साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, सो दिस इज वन अपॉन फोर, सो दिस विल बी हियर टू, टू माइनस वन अपॉन फोर, तो सेवन अपॉन फोर, तो ये साइन टू थीटा माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, सो दिस इज सेवन अपॉन फोर, इस फॉर्म में आ गया, तो साइन टू थीटा माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस सेवन अपॉन फोर। अब इसकी वैल्यू जो आपके पास में मिनिमम कहाँ हो रही है,
सो इट्स मिनिमम वैल्यू अक्कर्स वेन साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो साइन टू थीटा की वैल्यू जब क्या 1/2 है, अदरवाइज इट्स वैल्यू विल बी मोर देन वट 7/4. तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास में 7/4 मिल रही है, ठीक है. कहाँ पे 7 साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो वहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू इसकी होगी आपके पास में. वेन सो एफ एफ थीटा हैज लोकल मिनिमम वेन साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो ये थीटा यहाँ पे आपके पास में 0 से पाई है, तो 2 थीटा फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, पाई बाय 6 एंड 5π/6. तो ये थीटा की दो वैल्यूज आ गई आपके पास में, पाई बाय 12 एंड 5π/12. तो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो वैल्यूज हो गई आपके पास में. यहाँ पे लैम्डा 1 कितना, 1/12, और लैम्डा 2 कितना है, 5/12. सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू, वी हैव 1/12 एंड लैम्डा 2 5/12. तो अब इनका सम पूछा है अपने को, तो सम इनका क्या आएगा आपके पास में, सम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दैट इज 1/2, तो 0.5. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0.5. तो ये 6 क्वेश्चंस बेटा हमने डिस्कस करें. ओके, थैंक यू.